श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले की अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी। आज अदालत में दोनों पक्षों ने दस्तावेजी सबूत पेश किए। अपील जिरह और दलील के बीच मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सुनवाई की एक और तारीख गुजर गई। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख दी। इससे पहले वादी पक्ष की तरफ से आज अदालत में कई दस्तावेजी सबूत पेश किए गए। आज हमने विशेष रूप से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज माननीय न्यायालय में दाखिल किए, जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड की दृष्टि से हम देखेंगे तो खसरा दाखिल किया है, खतौनी दाखिल की है। खसरा नंबर 825 में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और खेवट नंबर 255 में। और इसके अलावा हमने नगर निगम का एसेसमेंट दाखिल किया है, जिसमें कि ग्रहकर जलकर बिल्कुल क्लियर है। मथुरा मामले में वादी पक्ष अदालत से 13.37 एकड़ भूमि का कब्जा दिलाने, विवादित स्थल से शाही मस्जिद हटाने, कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में सर्वे कराने, शाही ईदगाह में नमाज पर रोक लगाने और मूल गर्भगृह में पूजा का अधिकार दिलाने की मांग कर रहा है। लेकिन अब आगे इस मामले में क्या होगा, ये 11 जुलाई की सुनवाई के बाद ही पता चलेगा।